हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चौरों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, और डीप 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 इमोशंस हम लोग जो है चेक करने जा रहे हैं। और इसके लिए आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर लो, ठीक है? मेरे ब्रेसलेट को मत देखना यार, ढीला हो गया है, मैंने न्यू ऑर्डर किया है। ये मेरा स्पेशल ट्विन फ्लेम ब्रेसलेट है, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट, और मैं इसलिए बहुत कम पहनती हूँ, बट ढीला हो गया यार, मुझे नया ऑर्डर करना पड़ेगा। पता नहीं, शायद आई गेस मेरे हैंड का वेट कम हुआ है, पहले मेरे को बहुत स्वेलिंग थी तो धीरे धीरे कम हुआ है, तो इसकी वजह से शायद ये ऐसा हो गया है। बट एनी वेज मैं नया ऑर्डर कर रही हूँ। खैर, आप लोगों को भी मैंने देखा है कि आप लोगों ने सेम ऑर्डर करवाया था। आप लोगों को भी अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लाइक डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है ब्रेसलेट के रिलेटेड, मैं आप लोगों से शेयर ऑलरेडी करती हूँ। ब्रेसलेट रिलेटेड आपके पास जो है स्क्रीन पे डिटेल है, आप उनको कॉन्टेक्ट करके बनवा सकते हो। मेरा तो बहुत ढीला हो गया है, मैं सोच रही हूँ चेंज कर लूँ यार, मुझे दुख हो रहा है, एक्चुअली मुझे बहुत दुख हो रहा है ये वाला क्यों ऐसा हो गया। एनी वेज लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं उस व्यक्ति की डीप इमोशन, डीपेस्ट इमोशन इनके लिए क्या है। ओके, इसको आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति की राशि कैंसर हो सकती है, टॉरस है, यहाँ पर मुझे एरीस राशि भी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा है, एक्यूरस है, यहाँ पर लियो राशि रिप्रेजेंट हुई है, पाइसिस रिफ्लेक्ट हुई है, जेमिनी राशि भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, ये कुछ साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आपके पार्टनर जो है आपसे डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही है, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है। एक इसका क्या पंगा हो गया, ये आपसे बात नहीं कर रही है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। प्लस ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त इनको आपकी आपके कनेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी चेक दिखाई दे रहा है, बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है, बहुत सारी जानकारियां हासिल हुई है। चांसेस है अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल जर्नी का पूरा नॉलेज आ चुका है, समझ चुके हैं कि आप किस कनेक्शन में हो, क्या हो, सब आइडिया लग गया है। और कहीं ना कहीं इस जर्नी के रिलेटेड मुझे से दिखाई दे रहा है कि इन्हें काफी कुछ पता चला है, इन्हें एहसास हो गया है, या तो ये जर्नी के बारे में पता चला है या इन्हें पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का एहसास हुआ है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका विजन बहुत स्ट्रांग हो गया है, कुछ इंट्यूटिव एनर्जी इनको आ रही है जिसमें ये आपको महसूस कर सकते हैं, या आप अपने अपने आसपास आपको जो है फील करते हैं, इनको कहीं ना कहीं फीलिंग आती है आपके आसपास होने की। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत डेस्परेट है और इनसिक्योर भी है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इस व्यक्ति को, काफी क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इनका ईगो बहुत हाई होने की वजह से रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है, बट ईगो हाई है लेकिन इमोशनल है स्टिल, आपके लिए ये बहुत इमोशनल है। ईगो चाहे कितना भी हाई ही इमोशनल है और मूड स्विंग्स इनको बहुत हो रहा है, ये जो अपनी फीलिंग्स अपने मन में कंट्रोल कर रहे हैं इसके वजह से इनकी जो है मतलब बार बार इनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ऐसी फीलिंग फील होती है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं बट इन्हें ये चीजें बहुत इम्पॉसिबल लगने लगी हैं, इन्हें इस चीजों में कोई भी मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। प्लस आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं, बेसिकली लो फील कर रहे हैं, अकेलापन आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से ज्यादा फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इमोशनल होते हैं, रह रहे के अकेलापन जो महसूस करते हैं उसमें बहुत इमोशनल भी होते हैं। इंट्यूटिव एनर्जी है, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपके रिलेटेड कुछ इंट्यूशन या एहसास है, इनको कुछ फीलिंग्स है, इनको पता है इस कनेक्शन के बारे में कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का एक दूसरे से एक होना जरूरी है, डेस्टाइन होना, आप लोग दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी हो। या ऐसा कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसा एहसास है कि आप इनके शरीर का आधा हिस्सा हो, जब तक ये आपके पास नहीं आते तब तक इनकी जिंदगी में अकेलापन बना रहेगा। लोनलीनेस बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर, काफी ज्यादा आपके पार्टनर इस वक्त अपने फैमिली वगैरह पे बहुत फोकस कर रहे हैं बट अंदर से खुद लोनली है बहुत ज्यादा। ये दिखते शेर जैसे हैं, मुझे नारियल की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, नारियल जैसे ऊपर कठोर सख्त और अंदर से बहुत नरम, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाते हैं और एकदम शेर जैसी एनर्जी, शेरनी जैसी एनर्जी दिखते बहुत स्ट्रांग है। ऐसा दिखेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लाइफ में, अब मस्ती मजाक हैप्पी लाइक एनवायरमेंट खत्म हो गया इनका, ये मस्ती मजाक नहीं करते, हंसते नहीं है, अब पहले वाली बात नहीं है, अगर हंस भी रहे तो फेक स्माइल है, बहुत ज्यादा फेक स्माइल रहती है, ये अकेले अकेले ज्यादा रहते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ नहीं रहे, भीड़ से ज्यादा इनको जुड़ना अच्छा नहीं लगता है। और इस वक्त ये प्रैक्टिकल डिसीजन ज्यादा ले रहे हैं, प्रैक्टिकली अपने फाइनेंसेस, अपने करियर, अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसा कैसे बनेगा और कैसे बनाना है इस पे ध्यान ज्यादा है, और साथ ही साथ घर वालों पे बहुत फोकस्ड है। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है क्लियरली
आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा ही है, थर्ड पर्सन डेफिनेटली आप दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप भी किसी तीसरे व्यक्ति से मिल रहे हैं या चौथे व्यक्ति से, इनसिक्योरिटीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड है, या तो आपके पार्टनर फैमिली इश्यूज के वजह से कहीं शादी कर रहे हैं, या परिवार ही आपकी थर्ड पार्टी है, क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर बोझ बनकर बैठी है। ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने के चक्कर में इतना अपना अपनी पीठ को झुका रहे हैं कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है इसके वजह से, ये बहुत पेन में है आपके पार्टनर। पर ये आपके पार्टनर बहुत इमोशनल फूल बन रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो प्रैक्टिकली सोचते हैं लेकिन इन चीजों में ये अगर दिल की सुने तभी ये खुश हो पाएंगे, नहीं तो ये अपनी जिंदगी में बहुत सफर करेंगे, ऐसा क्लियरली मुझे दिख रहा है। इनको आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उस पर रिग्रेट भी है और इन्हें डर लगता है आपसे, इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया ना, अगर आपसे बात करी तो आपकी जिंदगी में या तो कोई है आप इनको ये बताएंगे जिससे बहुत हर्ट हो जाएंगे, या आपकी रिजेक्शन से डरते हैं, इन्हें लगता है आप इनके साथ बहुत रूड बिहेव करेंगे, ये इमोशनली आपको लेकर बहुत डरे हुए हैं, प्लस ये आपसे शिकायत भी करते हुए लाइक आपसे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी व्यक्ति के वजह से किसी के कहने पे आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको अब जज करते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे टाइप के थे, लाइक ये आपका लाइक ऐसा सोच रहे हैं कि अब आप पहले जैसे केयरिंग तो नहीं हो और आप उल्टा अब बहुत ज्यादा लाइक ऐसी चीजें करने लगे हो जो इनके अगेंस्ट है। आप मे भी किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप किसी शायद परिवार का सदस्य है जैसे ये जलस थे, या कोई व्यक्ति, बिकॉज ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन में हो जो इनको बहुत जलस फील करा रहा है, जो इन्हें बहुत चिढ़ लगा रहा है, या तो आप इनके किसी दोस्त से बहुत बातें कर रहे हो जो इनको अच्छी नहीं लग रही है बातें, आप किसी फ्रेंड से कनेक्ट हुए हो और इनके दोस्त आके इनको आपके बारे में कुछ गलत चीजें बोल रहा है जिसकी वजह से इनको और गुस्सा आ रहा है। इनके दोस्तों से या इनके किसी परिजन से आप बात कर रहे हो तो आप संभल जाओ, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपका फायदा करने की जगह उल्टा इनको भड़काया जा रहा है और आप दोनों को और डिफरेंस में ला रहा है, और ज्यादा आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इसकी वजह से ही आपके पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है आपके जीवन में या तो कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कैरेक्टर एनालिसिस क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको कैरेक्टर में एनालाइज कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है और शायद उन्होंने आपको समझा नहीं। आपके लिए प्यार बहुत है लेकिन आपके लिए डिस्टर्ब्ड भी है, अपसेट भी बहुत है। किसी भी तीसरे चौथी व्यक्ति से बात कर रहे हो या कुछ उल्टे सीधे ऐसे स्टेटस रख दिए हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, तो चांसेस है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत गलत धारणाएं बना रहे हैं। आपका स्टेटस शायद कुछ बहुत, या तो आप एक्सट्रीम कुछ ऐसे दिखा रहे हो एकदम से कुछ अच्छा करने, लाइक थोड़ा बहुत जलसी कराना ठीक है लेकिन वो भी पोलाइट तरीके से, आप कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है कि है जिसके वजह से, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत नाराज है, उनको रिग्रेट है आप दोनों के बीच में डिफरेंस आया, लेकिन धीरे धीरे इनको लग रहा है जैसे आपकी सच्चाइयां इनके सामने आ रही है, धीरे धीरे ये आपका असली चेहरा देख रहे हैं, और ये डेफिनेटली कोई व्यक्ति कर रहा है ऐसा, कोई आपके अगेंस्ट इनको भड़काता है बहुत क्लियरली, और वो व्यक्ति आपके कनेक्शन में हो सकता है क्लियरली, वो व्यक्ति आपको स्टॉक कर रहा है या आपसे बात कर रहा है या कर रही है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उस इंसान की वजह से ना बहुत माइंडफुल गेम्स हो रहे हैं यहाँ पर, क्लियरली उस इंसान को आपसे बहुत प्रॉब्लम है बट वो इंसान आपको दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में एक ऐसा चक्रा है जो कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी, और ये पेन वाला चक्रा है जहाँ पर बहुत सारे रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें एहसास हो रही हैं आपके साथ जो हुई, जो इस रिश्ते में हुई और उन्होंने क्या क्या आपके साथ एक्सपीरियंस किया, वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बट यहाँ पर चक्रा क्लोजर दे रहा है, यानी कि आपके कुछ इवेंट्स जो कोई बुरा समय है या कोई इस रिश्ते का चैप्टर क्लोज होने वाला है, यानी कि इस रिश्ते का चैप्टर आप क्लोज करेंगे, आप इस व्यक्ति से किसी तरीके से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनने वाले हैं जिसकी वजह से इनको लेकर आप मूव ऑन की स्थिति में आ जाएंगे, आप मूव ऑन करने वाले हैं इस इंसान से, क्योंकि ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजर आने वाला है, आप इस सफर को खत्म करेंगे, आपको लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, आपकी तरफ से एंडिंग दिखाई दे रही है, आप एंड करेंगे इस रिश्ते को। बट सिमिलरली आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ये चीजें उलट दिशा में जाती दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पे, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मुझे इसलिए लग रहा है कुछ महीनों का समय लगेगा, और कुछ महीनों में आपके पार्टनर को कुछ सच्चाइयां समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में आएंगी जिससे आपके पार्टनर को बहुत हर्ट होने वाला है, उन्हें हर्ट होगा अपने बिहेवियर और अपने आप को लेकर, लाइक ये अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे पछतावे में आएंगे, हालांकि आपको अप्रोच करने से बहुत डर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अप्रोच नहीं करेंगे, इनको डर लगेगा कि आप पता नहीं इनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इमोशनली आपके बारे में बहुत सोचते नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बट कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट मुझे बहुत मिला है, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त उस स्थिति में नहीं है जहाँ पे इनसे बात की जा सके, अगर आप इनसे डायरेक्टली बात करने का ट्राई कर रहे हैं
तो मत करो प्रयास, क्योंकि इससे मैटर और खराब ही होना है, प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर इनसे बात करने के लिए इनडायरेक्ट कोशिशें भी मत करो, स्टेटस स्टोरी या किसी दोस्त की तरफ से मत बात करो चीजें ये तरीके से, ये एंड से खराब हो रही है। आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, पर आपके लिए और चीजें खराब होती चली जा रही है। डिस्टेंस क्रिएट करने में ज्यादा समझदारी रहेगी, ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। मैं अब आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। आप उनकी दुनिया हो, बट इस वक्त उन्हें कुछ सोचने के लिए समय चाहिए। I still love you, but मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ रहा है। आपकी कुछ भी हरकतें हैं उससे उनको दुख पहुंच रहा है, फर्क हो रहा है। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट स्लीप थिंकिंग। आपके पार्टनर आपके लिए रोते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज सून। आपके पार्टनर जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको नहीं करना है, आप डिस्टेंस में रहो। आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटीज। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हम दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज मुझे भी दिखी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे या स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।